नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से नशीले पदार्थों की नशा तस्करी के नेटवर्क का किया पर्दाफाश। 4 किलो 580 ग्राम हेरोइन सहित एक महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। जंडियालापुर के पंजाब नेशनल बैंक के बाहर मोटरसाइकिल सवार लुटेरा बुजुर्ग व्यक्ति से 50,000 रुपयों की नकदी लूट हुआ फरार। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 5 मोटरसाइकिल फर्जी चाबियों सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार। और अब हलचल विस्तार से। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान के आदेशों पर नशों के खिलाफ चलाई जा रही जंग के दौरान अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अमृतसर पुलिस कमिश्नर रणजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि पुलिस टीमों को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि नशीले पदार्थों के तस्कर कमलजीत कौर ने नशे की एक खेप प्राप्त की है जो इस समय उसके कब्जे में है, जिसके बाद पुलिस ने सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए डीएसपी इन्वेस्टिगेशन हरप्रीत सिंह मंडेर, एडीसीपी सिटी 2 अभिमन्यु राणा और एसीपी वेस्ट स्वर्णजीत सिंह की अगुवाई में थाना छेरट्टा के इंस्पेक्टर रॉबिन हंस की पुलिस टीम ने चार्ज बिछाकर आरोपी को गोल्डन वेन्यू हरगोविंदपुरा छेरट्टा में से उसके किराए के मकान में से काबू कर लिया और उसके पास से 4 किलो 580 ग्राम हेरोइन बरामद की। उन्होंने बताया कि आरोपी महिला तस्कर ने नशे की ये खेप पाकिस्तान से लाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक अन्य मामले में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्तियों को काबू किया है, जिनके पास से 2 पिस्तौल और एक कार भी बरामद हुई है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मानयोग डीजीपी पंजाब श्री गौरव यादव जी ने सख्त हिदायतों मुताबिक नशिया के गैंगस्टरवाद से काबू पाने लिए कमिश्नरेट अमृतसर पुलिस के अधिकारियों वाली कर्मचारियों वालों लगातार ये मुहिम विधी गई आ, जिस दे तहत हुण डीसीपी श्री मंडेर साहब, एडीसीपी 2 श्री अभिमन्यु राणा जी, सरवणदीप जी, एसीपी वेस्ट, एसएचओ कंटोनमेंट और एसएचओ रॉबन मसीह वालों एक वड्डी कार्रवाई करदिया होया एक कमलजीत कौर उर्फ मासी वासी गोल्डन एवल्यू हरगोबिंदपुर छेहरटा तो करीब 4 किलो 580 ग्राम हीरोइन बरामद हुई आ। यह औरत अपने जवाई जुगराज सिंह, पुत्र प्रताप सिंह दे नाल रल के सीधे संपर्क में पाकिस्तान के नशे तस्करों के नाल हैगी सी। उतों यह हीरोइन मंगा के इतने वख-वख इलाकों सप्लाई करती सी, जिन्हों 4 किलो 580 ग्राम हीरोइन समेत काबू किया। इस तरह थाना कंटोनमेंट के एसएचओ कंटोनमेंट वालों एक भरोसेयोग सूत्रों तो मिली जानकारी अनुसार लगाए नाके तो के 4 व्यक्ति, एक विशाल कुमार, नरेश कुमार, गुरप्रीत सिंह ते गुरजीत सिंह, इन्हां चों एक बंदा कारां दा काम करदा, दूसरे 2-3 जिहड़े है थाने घरिंडे दे ने, इन्हां नूं काबू करके इन्हां तों 2 पिस्तौल, एक 30 बोर, एक 312 बोर ते एक कार स्टीम जिहदे च ट्रैवल कर रहे सी उह काबू कीते ने। ते इहदा जिहड़ा नरेश कुमार आ इहदा ऑलरेडी इक थाने घरिंडे दे अटैम्प टू मर्डर मुकदमे के पकौड़ा सीगा, उन्हूं काबू किया। इस तरह कमिश्नर पुलिस अमृतसर ने, इतों के अधिकारियों ने, समुची टीम ने अपनी नशिया के खिलाफ ते गैंगस्टरवाद के खिलाफ अपनी वचनबद्धता पूरे करदिया होया इन्हों के खिलाफ कार्रवाई करके इन्हों काबू किया। जंडियालापुरों में लुटेरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं, जिसका ताजा मामला जंडियालापुरों के पंजाब नेशनल बैंक के बाहर से सामने आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मोहल्ला शेखोपुरा निवासी बुजुर्ग व्यक्ति सुरजीत सिंह ने बताया कि वे दोपहर के समय पंजाब नेशनल बैंक में से 50,000 रुपये निकलवा कर अपने घर जा रहा था कि इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार नौजवान, जिसने सिर पर हेलमेट पहना हुआ था, उसका पैसों वाला बैग छीनकर फरार हो गया, जिसमें 50,000 रुपयों की नकदी और बैंक की पासबुक भी थी।
उसने बताया कि ये पैसे किसी को देने के लिए उसने निकलवाए थे। उसने बताया कि वह मंडी में चाय का खोखा लगाता है और मेहनत मजदूरी कर ये पैसे इकट्ठा किए थे। तो वहीं ये सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस दौरान पीड़ित बुजुर्ग ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द लुटेरों को पकड़कर उसका पैसा वापस दिलाया जाए। वहीं जब इस संबंध में पुलिस जाँच अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं, जल्द ही लुटेरों को काबू कर लिया जाएगा। जंडियारा गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। मेरे फादर साहब को कोई पैसे खो के लै गया, बाइक ते सीगा मुंडा ते रस्ते मतलब गेट दे गाड़ियों खो के लै गए। पिछों कोई बाइक ते आया मुंडा, हेलमेट पाया उन्हें, पूरा अपना फेस कवर किया हुआ सीगा ते मोटरसाइकिल दे उपर नंबर भी कोई नहीं आ। असी रिकॉर्डिंग वगैरह भी चेक करवाइया जो साढ़े महल ते कैमरे लगे हुए आ ते बट उहदे विच कुछ भी नहीं आया। ते बस सानू ते इही उम्मीद आ कि प्रशासन कुछ करे इन्हां चीज़ां दे उत्ते रोकथाम लगावे, इन्हां नूं सख्त तों सख्त सजावां दित्तियां जाण इहो जे लोकां नूं जो गरीबां दे नाल धक्का करदे ने। गरीब एड्डी मुश्किल पैसा इकट्ठा करदा वा मेहनत करके ते इहो जे लोक एक मिंट नहीं लाउंदे बर्बादी करन लग्गिया। बैंक चों मैं पैसे कढा के लिआ 50,000 रुपया ते रक्षे ते मैं उत्थों जदों तुरिया इक ते बंदा मगर तुरिया आ, मैनूं नहीं पता लगा मोटरसाइकिल ते। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਲਾਗੇ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਲਾਗੋਂ ਇਹ ਮਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਕਲੋਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਝਪਟ ਮਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਚੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਗਰ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ₹50,000 ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के एक सदस्य को चोरीशुदा मोटरसाइकिलों सहित काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस ने पाल अस्पताल जालंधर के नज़दीक से मोटरसाइकिल चोरी करते हुए एक व्यक्ति को काबू किया। वहीं उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान बलजीत सिंह निवासी गाँव गदई जिला तरन तारण के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरीशुदा 5 मोटरसाइकिल व फर्जी चाबियां भी बरामद की हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जी मानयोग सीपी साहब जालंधर श्री स्वपन शर्मा आईपीएस वालों भैड़े अंसरां दे अगेंस्ट एक मुहिम चलाई जा रही है जिस दे अंतर्गत थाना डिवीजन नंबर 3/14/9/2024 नूं एक नाकाबंदी की गई सी ते एक शक्की बंदे नूं आपां एप्रीहेंड किया ते जदों पुछगिछ की गई ते उहदे विच उहदे कोलों एक चोरी दा जिहड़ा मोटरसाइकल सी उह बरामद किया गया। इस ते कार्रवाई करदे हुए एक FIR 99/24 अधीन धारा 303-2 317-2 BNS एक्ट 2023 दर्ज की गई ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਆਪਾਂ 3 ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਹੋਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ 5 ਹੋਰ ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੁਛ ਪਰਚੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस की ओर से PPR मॉल में वाहनों और सार्वजनिक स्थानों पर शराब की बिक्री को रोकने के लिए विशेष मुहिम चलाई गई है। ये विशेष मुहिम गत साई 8 से रात्रि 11 तक PPR मॉल के बाहर ACP मॉडल टाउन हरचंद्र सिंह की अगुवाई में चलाई गई। ये कार्रवाई थाना डिवीज़न नंबर 7, थाना डिवीज़न नंबर
6 थाना नई बरादरी थाना भार्गव कैंप के SHO व ERS जोन 2 के इंचार्ज व उनकी टीम के सहयोग से की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वाहनों के अंदर और अहातों के बाहर शराब की खपत को रोकना, सार्वजनिक सुरक्षा को यकीनी बनाना और कानून व्यवस्था को कायम रखना था। इस दौरान कुल 125 वाहनों की चेकिंग की गई, तो वहीं ERS टीम द्वारा संदिग्ध मामलों में अल्कोहल की खपत का पता लगाने के लिए ब्रीथ लाइजर का इस्तेमाल किया गया। इस अविशेष मुहिम के दौरान कुल 8 चालान किए गए, जबकि 1 FIR दर्ज की गई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मानयोग पुलिस कमिश्नर जलंधर जी दी हदायत अनुसार ट्रैफिक नियमों की उलंघना करने वाले विरुद्ध और पब्लिक प्लेस से शराब पिलाने वाले विरुद्ध अज एक विशेष मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में SHO भार्गव कैंप, SHO बारादरी, SHO 6 नंबर डिवीजन, SHO 7 नंबर डिवीजन शामिल हुए। इस मुहिम दौरान करीब 125 गड्डियां चेक की गई, इस दौरान 8 गड्डिया के चलान किए गए, तो एक पब्लिक प्लेस से दारू शराब पिलाने विरुद्ध पर्चा दर्ज किया। उत्तर भारत का सबसे बड़ा एवं प्रसिद्ध श्री सिद्ध बापस होटल जी का मेला धूमधाम से शुरू हो गया है, जिसका आगाज श्री सिद्ध बापस होटल ट्रस्ट की ओर से हवन यज्ञ कर किया गया, जिसमें श्री सिद्ध बापस होटल ट्रस्ट के चेयरमैन एवं दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विजय, सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, विधायक रमन अरोड़ा, विधायक बाबा हेनरी, आप नेत्री राजविंदर कौर थियाड़ा, आप नेता रोबिन सांपला, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर नवजोत दहिया, चड्डा बिरादरी के चेयरमैन श्यामलाल चड्डा, प्रधान विपिन चड्डा, बब्बी समाज सेविका ज्योति चड्डा, पीयूष चड्डा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर हवन यज्ञ में आहुतियां डालकर आशीर्वाद प्राप्त किए। इस अवसर पर पूर्व पार्षद गुरविंदर सिंह पंटी, नीलकंठ, पूर्व पार्षद भूषण कोहली, हिमांशु शर्मा, राकेश कश्यप, रमन शर्मा, विपिन चड्डा, सतीश चड्डा, सीमा गल्होत्रा, सौरभ शर्मा, पवन मेहता सहित श्री सिद्ध बाबा सोडो ट्रस्ट एवं चड्डा बिरादरी के सभी सदस्यों सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ संदीप शर्मा की रिपोर्ट। अज श्री सिद्ध बाबा सोडल जी के मेले से असी सारे पहुँचे हैं, तो बहुत ही संगत हम हमा के पहुँचे हैं। श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट जिदे के चेयरमैन शीतल विज जी हैं, उन्हां वल्लों भी अज बहुत बड़े पद्धर से इस मेले का प्रबंध किया गया। मैं उन्हां दा बड़ा धन्यवादी हाँ, तो सारिया संगत लई मैं यही अरदास है कि तुसी जो भी सिद्ध बाबा सोडल जी के दरबार के आके मन्नत मंगो, तुहाडियां सारिया मनोकामना पूरिया हों, अपना जलंधर शहर उग बसे वधिया, एक दूजे दे नाल इतफाक रहे, सारिया का प्यार रहे, तो सारे जाने तुसी तरक्की करो। मेरिया सारिया नूं बहुत बहुत शुभकामनावां, तो ट्रस्ट के चेयरमैन तो सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई, तो उन्हां दा धन्नवाद कि वह बहुत अच्छे तरीके दे नाल मेले नूं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। धन्यवाद। सब तो पहला श्री सिद्ध बाबा सोडल जी के पावन पर्व दियां सारी संगत नूं बहुत बहुत बधाई। बाबा जी सारिआं दे उत्ते ही अपना कृपा भरिआ हथ रखन, सारिआं दीआं मनोकामनावां पूरीआं होण, सारे खुश रहन, तंदुरुस्त रहन, इसे तरह ही अपनी दया दृष्टि सारिआं ते रखन। और उस तो बाद मैं साडे जलंधर दी नहीं पूरे उत्तर भारत की शान महान शक्ति पीठ के मुख सेवादार श्री शीतल
प्रधान जी बम्मी चड्डा जी और बहुत ही प्यारे मेरे बड़े वीर इस संस्था के चेयरमैन श्याम लाल चड्डा जी, रॉबिन सांपलिया जी, रितेश कश्यप जी और पूरी समुची टीम को बहुत बहुत बधाई देना जी। लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका उत्तर भारत का प्रसिद्ध बाबा सोडल जी के मेले का आगाज हो गया है। इस दौरान दूर दूर से भक्त बाबा सोडल जी के दरबार में माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी के तहत दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, डायरेक्टर वाणी विज, संयुक्त संपादक सिद्धेश विज, डायरेक्टर नेहा विज, संयुक्त संपादक अभिषेक विज, रुचि विज, मोना ओहरी, विवेक ओहरी, संचित ओहरी, मीनाक्षी कपूर, प्रणव कपूर, कनव कपूर, मेघा कपूर, रेनू अरोड़ा ने सपरिवार बाबा सोडल जी के पावन दरबार में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया और सभी भक्तों को बाबा सोडल जी के मेले की शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के सदस्यों की ओर से श्री विज व उनके पारिवारिक सदस्यों को बाबा जी का सिरोपा एवं प्रसाद देकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिसके पश्चात दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने सपरिवार गुरुद्वारा साहिब में भी माथा टेकर सरबत के भले की अरदास की। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने भी श्री विज व उनके पारिवारिक सदस्यों को सिरोपा साहिब देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका उत्तर भारत का प्रसिद्ध बाबा सोडल जी का मेला जो कि इस बार 17 सितंबर को मनाया जा रहा है। मंदिर मार्ग को पूरी तरह से रंग बिरंगी लाइटों से सुसज्जित कर दिया गया है। वहीं मेले से पहले श्रद्धालु बैंड बाजों के साथ मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं मंदिर में भक्तों की कतारें लगने लगी हैं। झूले सज चुके हैं, बस स्टॉलों पर सामान बिकना शुरू हो गया है। मेले में सुरक्षा को लेकर पुलिस भी मुस्तैद हो गई है। भक्तों ने बैंड बाजों के साथ नाचते हुए परिवार सहित शामिल होकर बाबा सोडल जी के समक्ष माथा टेका। इस दौरान जानकारी देते हुए श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट के महासचिव सुरेंद्र चड्डा ने बताया कि मेले में पिछले वर्ष से अधिक इस बार ट्रस्टी की तरफ से मंदिर में की गई डेकोरेशन की सजावट और लाइटिंग का नजारा देखने योग्य होगा। इस दौरान ट्रस्ट के चेयरमैन शीतल विज के अनुसार मेले में श्री देवी तालाब मंदिर चैरिटेबल अस्पताल की तरफ से 24 घंटे श्रद्धालुओं को निःशुल्क औपचारिकता प्रदान की जाएगी और अस्पताल की तरफ से एम्बुलेंस और टीम उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि प्रसिद्ध श्री सिद्ध बाबा सोडल मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर की धर्मशाला में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर प्रबंधक कमेटी द्वारा रहने खाने की सुविधा मंदिर में ही प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। जयकारा सिद्ध बाबा सोडल जी का बोल साची दरबार की जय। श्री सिद्ध बाबा सोडल मंदिर तालाब कमेटी आज बाबा जी दे पावन मेले की शुरुआत आज झंडे की रस्म नाल कीती है। सारे शहर वासियों नूं और पूरे पंजाब दे वासियों नूं पूरे देश दे वासियों नूं बाबा जी दे मेले दियां बहुत बहुत बधाइयां और सारे दे चरणा च बेनती है कि बाबा जी के दर्शन करो, उन्होंने चरणा च नमस्तक होवो और मन वांछित फल पाओ, क्योंकि बाबा जी सारे दियां मनोकामनावां पूरियां करते हैं, सारे दियां झोलियां भरते हैं। अज जो साढ़े सारे ही चड्डा बरादरी के और वख-वख समाजां दे लोग इस
पवित्र मेले की सेवा कर रहे हैं। बाबा जी इन्हां सारिआं नूं खुशियां देन, तंदुरुस्तियां रखन, और इन्हां दे घरां दे विच बरकत आन, और इन्हां दीआं दुख तकलीफां दा नाश होवे, यही मनोकामना दे नाल मैं अपने वल्लों, अपने परिवार वल्लों और आम आदमी पार्टी वल्लों सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा और सारिआं नूं वधाई देना। जय बोल साचे दरबार की जय। बाबे सोडल दा रूप निराला के गुणगान से सारा क्षेत्र बाबा सोडल जी के रंग बिरंगिया, लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका श्री सिद्ध बाबा सोडल मेला श्रद्धा के साथ गत साई ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ। सारा मंदिर परिसर बाबा जी के जयकारों की गूंज से गुंजायमान हो उठा। परिवार के साथ बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं सहित भक्तों ने लाइनों में लगकर बाबा जी के समक्ष श्रद्धा से शीश निभाया। वहीं मेले की शुरुआत से पहले मंदिर प्रांगण में भी श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट के सहयोग से बाबा जी के भक्तों की तरफ से हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें पूर्व सांसद सुशील लिंकू, आप नेत्री राजविंदर कौर थ्याड़ा, श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट करतारपुर के चेयरमैन सुभाष शर्मा, जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन अमृतपाल सिंह, श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट के कैशियर सुरेश चड्डा, चड्डा बिरादरी के उप प्रधान जेबी चड्डा, एग्रो रसोई कारपोरेशन पंजाब के चेयरमैन मंगल सिंह, आप नेता बॉबी ढलपुर, पार्षद दीपक शारदा, जोगिंदर पाल शर्मा, प्रवीण अग्रवाल, योगेश धीर, नवीन शोरी, गुरदत्त शिंगारी, राजकुमार शर्मा, वरेंद्र महेंद्र, रिंकू अग्रवाल, आप नेता रोबिन सापला, रिया सांपला, आप नेता शोभा भगत, डॉक्टर बी डी शर्मा, संतोष भगत, आप नेता मनु छाबड़ा, पूर्व पार्षद भूषण कोहली, जिला प्रधान महिला विंग गुरप्रीत कौर, श्री देवी तला मंदिर के प्रमुख सेवादार रमन शर्मा ने विशेष तौर पर उपस्थित होकर हवन यज्ञ में आहूतियाँ डाली। इस दौरान बाबा जी के भक्तों की तरफ से देर शाम श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट के सहयोग से झंडा चढ़ाया गया, जिसमें विधायक रमन अरोड़ा, बाबा हेनरी, डिविजनल कमिश्नर प्रदीप सभरवाल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के वाइस चेयरमैन दिनेश ढल, आप नेता अमित ढल, आप नेता बाबू ढल, पूर्व मेयर जगदीश राज राजा, आप नेता विक्रम कौशल, आप नेता मनु छाबड़ा, युवा भाजपा नेता मनीष विज, सुखविंदर कालियो, बिट्टू बंटी अरोड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर ध्वजारोहण किया। इससे पहले मंदिर की संकीर्तन मंडली ने संकीर्तन कर भक्तों को कृतार्थ किया। इस मौके पर यशपाल ठाकुर, चमनलाल शर्मा, रवि मरवाहा, ओम प्रकाश सपल, महेंद्र प्रभाकर, अश्विनी शारदा, सुरेंद्र लब्बी, केवल कृष्ण चोपड़ा, विजय सैनी, किशनलाल अरोड़ा भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। Oh,
ਦੇਣਾ।
छोटा लफ्ज़ है। जब परमात्मा ने बख्शिश की है, बाबा जी ने बख्शिश की है, इन्हों का फर्ज है सेवा बनना, वो सेवा निभा रहे हैं। मैं बाबा जी अरदास करना इन्हों की सिर पर मेहर भरिया देकर इन्होंने अगर बढ़ूंगा और अगर चढ़ाई करूँगा अगले मेरे देवा और भी सहायता किया क्या करता रॉबिन सांतरा जी अध्यक्ष सेवादार ने और विजय सांतरा जी के बेटे ने विजय सांतरा जी ने आज कोई काफ़ी इस तरह से किया आ नहीं सके। उन्होंने मैं फोन आया सी कि मैं बहुत चाह के मत्था टेक के जाऊंगा। मैं उन्होंने भी बहुत धन्यवादी हैं। जयकारा है बाबा सरोज जी का। साचे दरबार की जय। शिव शक्ति पीठ बाबा सरोज मेले के उपर अज हर साल की तरह बहुत ही होम हमा के संगत आई हैं और जोड़ा भी इतने आता है हमेशा मंगिया मुरादा पाता है जोड़ा भी जो कामना लैके आता है बाबा जी पूरी करते हैं। सो सिद्ध पीठ बाबा छोड़ा जी के चेयरमैन कमेटी के मेरे वीर चित्र विज साहब उनके नाल मुख्य सेवादार श्यामला चड्डा जी और सारी ही कमेटी जो उन्होंने चड्डा परिवार फैमिली पप्पी चड्डा जी सारे साथी जिन्हें भी मैं देख रहा हाँ कि बहुत ही प्यार दे नाल श्रद्धा दे नाल सारिया संगत आ के मत्था टेक रही हैं और मेरे नाल आए हुए साडे सीनियर डिप्टी मेयर भाटिया जी प्रदीप खुल्लर जी सतपाल जी कमल लोध जी और जिन्हें मेरे साथी आए ने भाटिया जी सारिया का जोशी जी सारिया का मैं धन्यवाद करना और नाल ही असं सारे ही जानते हैं जिन्हिया भी संगत आदि सुभाष सोंधी जी आए हैं साडे चेयरमैन मेरे वीर साडे चंदन ग्रेवाल जी सारे साथी इकट्ठे होकर असं आए हाँ। सो मैं सारिया दिया मनोकामना पूरी होने ऐसी मैं कामना करता हाँ। असी सारे ही जानते हैं जिड्डा बरादरी जिड्डा परिवार इस छोटे मेले के मोढ़ी हैं और इन्हां दे नाल ही सारा मंदिर का कारोबार जो सेवा चल रही है और इत्थे जिहड़ा भी आता है इत्थे आके जो शीश झुकांदा है जिवें सामने जिड्डा ने कहा ना कि जिहड़ा भी मूँह कढ़दे हैं उनकी मनोकामना पूरी होंदी है। मेरे वास्ते भी इन्होंने बहुत प्रार्थना की सहयोग किया अज मैं भी MLA बन के बाबा सरोज के मेले से आया हाँ और शीश झुका के जा रहा हाँ। परमात्मा सानू सब नू अच्छी सेहत दे तंदुरुस्ती दे सिद्धि लगातार अगों भी आते रहिए बहुत बहुत धन्यवाद जयकारा है बाबा सरोज जी का। श्री शिव शंकर मंदिर प्रबंधक कमेटी शिवनगर चरणधर के सहयोगियों को सम्मानित किया गया जिसमें दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज एवं पूर्व CPS KD भंडारी विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस दौरान मंदिर के अध्यक्ष गुरुदत्त शिंगारी ने आए हुए मुख्य अतिथियों को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर KD भंडारी गुरुदत्त शिंगारी अरुण कोहली जतेंद्र चोपड़ा शिवम शिंगारी रमन शर्मा आशीष सहगल भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ संदीप शर्मा की रिपोर्ट।
ਸਾਂਝਾ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆਪਣੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦਊਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਰ ਵੈਭਵ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ, ਐਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਮੈਂ DC ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲਾ ਲਗਭਗ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਬਰਾਦਰੀ, ਕਿੱਡਾ ਟਰੱਸਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਜੀ ਤਸੇਰ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਸੁਦੇਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਸੁੰਦਰ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਬਬੀ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਗੁੱਲੂ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਧਰਮ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਰਵ ਦੀਆਂ ਡਾਇਨਾ ਪੂਲ ਐਂਡ ਸਨੋਕਰ ਅਕੈਡਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਕਸ ਰੈੱਡ ਕਲੱਬ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 32 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਅਕੈਡਮੀ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਿਕਸ ਰੈੱਡ ਕਲੱਬ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਪਰ ਖੇਲਣੇ ਮੇਂ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੋ ਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਂ ਗੇਮ ਖੇਲਣੇ ਕੀ ਬਜਾਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੇਮ ਖੇਲਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਨਾ ਬਿਲੇਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੇਮ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 6100, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ 3100 ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਥਰਡ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਪਲੇਅਰ ਨੇ 1100 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਵਿਦ ਟਰੋਫੀਸ। ਸਾਡੇ 32 ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੋਟਲ। ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ 11000 ਰੁਪਈਆ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ 5500 ਰੁਪਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੋਫੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਗੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਡਲ ਮੇਤੀ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਡਲ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਸਰ ਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਏਵਮ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੰਗਰ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ 1008 ਮਹਾ ਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਮਹੰਤ ਬੰਸ਼ੀ ਦਰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਕਰ ਇਸ ਲੰਗਰ ਕਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਆ ਏਵਮ ਸਭੀ ਕੋ ਮੇਲੇ ਕੀ ਬਧਾਈ ਦੀ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਏਵਮ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਯੋਗੇਸ਼ ਧੀਰ, ਨਵੀਨ ਸ਼ੋਰੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੈਨੀ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਆਇਆ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ
ठाकुर जी की भगवान की बड़ी असीम परंपरा है, उनकी कृपा से हमारे नगर में विभू के दरबार में माँ भगवती त्रिकुणाल जी का, बाबा सोडल जी का, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों भक्तों का उद्धार किया और इस आयोजन में प्रत्येक वर्ष सहभागी बनने वाले और खास करके अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा हमारे यहाँ सनातन धर्म के मुख्य आधार है, मूल है, प्राण अगर जीवित है तो वो भोजन से अन्न से प्राप्त होता है और ऐसी प्रक्रिया को जो हमारे धार्मिक सनातन की पूर्व परंपरा है उस परंपरा का निर्वहन कर रहे थे साहब इनके प्रतिनिधि और अन्य जितने भी इनके साथी है इन लोगों ने तन से मन से धन से इस सेवा में सहयोगी बनकर के और इस लंगर के कार्य में लगे हुए हैं उनके लिए भगवान सोडल के दरबार में आप भगवती से प्रार्थना है मां पूरा से प्रार्थना है कि हर वर्ष जैसे हम लोग उत्साह के साथ हजारों लाखों भक्तों के लिए यहाँ लंगर लगता है और ये समिति यहाँ सेवा करती है हमें याद है पांच सात साल पहले हम लोग आते थे स्वर्गीय राजेश शारदा की याद में शारदा परिवार की ओर से श्री सिद्ध बाबा सोडल मेले में आए हुए भक्तों के लिए विशाल लंगर का आयोजन किया गया जिसमें शारदा परिवार ने आए हुए सभी भक्तों का अलग अलग व्यंजनों के लंगर लगाकर स्वागत किया। इस अवसर पर शारदा परिवार के रमेश शारदा, सुदेश शारदा, नरेश शारदा, राकेश शारदा, पूर्व पार्षद दीपक शारदा सहित सभी शारदा परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से नशीले पदार्थों की नशा तस्करी के नेटवर्क का किया पर्दाफाश। 4 किलो 580 ग्राम हेरोइन सहित एक महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। जंडियालापुरू के पंजाब नेशनल बैंक के बाहर मोटरसाइकिल सवार लुटेरा बुजुर्ग व्यक्ति से 50,000 रुपयों की नकदी लूट हुआ फरार। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 5 मोटरसाइकिल फर्जी चाबियों सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार। और अब हलचल विस्तार से। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।